आधार कार्ड और अपने पैन को अगर आपने लिंक नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर सरकार ने आखिरी तारीख बढ़ा दी तो राहत की बात होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके लिए भविष्य में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आधार से लिंक नहीं हुए सभी पैन कार्ड किसी काम के नहीं रह जाएंगे और वे निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही 1 अप्रैल से आप वैसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे जिसके लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। आइए आपको बताते हैं, पैन आधार से लिंक नहीं हुआ तो इसके नुकसान क्या होंगे। लोकसभा में पिछले हफ्ते पास हुए फाइनेंस बिल 2021 में सरकार कुछ बदलाव लेकर आई थी। इसके तहत पैन और आधार को लिंक करने में देरी पर ₹1,000 का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा बैंक के ट्रांजैक्शन में भी परेशानी आ सकती है। नियमों के अनुसार 50,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। इसके निष्क्रिय होने पर आप ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका बेहद आसान है। इसे आप आसानी से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको स्क्रीन के बाएं ओर लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें और फिर सारे डिटेल भरें। इसमें पैन कार्ड सहित आधार नंबर भरने होंगे। इसके बाद नीचे दिए लिंक आधार पर क्लिक करें। ऐसा कर आप अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। आधार और पैन कार्ड को आप SMS के जरिए भी लिंक करा सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टाइप कीजिए UIDPAN स्पेस 12 डिजिट का अपना आधार नंबर, फिर स्पेस 10 डिजिट का अपना पैन नंबर और फिर इसे 567678 या फिर 561611 पर SMS कर दें। आपको बता दें, निष्क्रिय पैन कार्ड को ऑपरेटिव किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक SMS करना होगा। आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला पैन नंबर एंटर करने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 561611 पर SMS करना होगा। आइए अब आपको बताते हैं, आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं इसे चेक करने के लिए क्या करना होगा। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक टैब पर लिंक आधार पर जाएं और अपना स्टेटस चेक करें। स्टेटस चेक करने के लिए आधार और पैन कार्ड की जानकारी भरें। अब व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।